नमस्कार, बीकॉम सेकंड ईयर के छात्रों का स्वागत है। आज हम मनी बैंकिंग वाले पेपर में इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे और अगले लेक्चर, आखिरी लेक्चर जो फर्स्ट यूनिट का है, उसमें हम डिफ्लेशन पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रा प्रसार। तो मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन क्या है, क्या कहा, इसका मतलब क्या है, इसको अलग अलग परिभाषाओं में क्या कहा गया है, उसको समझेंगे। मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता मुद्रा प्रसार को जन्म देती है, वहीं उसकी कमी मुद्रा संकुचन की स्थिति को उत्पन्न करती है। यानी अभी हमने इसी यूनिट के पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था, वो मुद्रा की पूर्ति पढ़ा था, यानी मनी सप्लाई क्या होती है। तो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई कैसे होती है, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं, वो सब पढ़ा था। यहाँ हम उसी संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन यानी मुद्रा का प्रसार। ये एक बड़ी सिंपल परिभाषा है। अब कैमरार के अनुसार इस परिभाषा में कहा गया है कि यदि मुद्रा एवं साख का प्रचलन अधिक मात्रा में किया जाए, यानी किसी अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज़्यादा मुद्रा का प्रवाह कर दिया गया और उससे जरूरत से ज़्यादा साख का निर्माण हो गया है, तो इससे क्या होगा, यानी मुद्रा और साख का प्रचलन अधिक मात्रा में किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन कम रह जाता है। यानी जिस अनुपात में अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ाई गई है, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उत्पादन कम रह जाता है, जिसके कारण मूल्य स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाएगा। ऐसी स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाएगा। ये यहाँ देखो टाइपिंग की एरर है थोड़ी सी। तो ऐसी शब्द है ये, ऐसी स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाएगा। फिर है कॉल बॉन्ड के अनुसार टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। जब बहुत सी मुद्रा बहुत कम मुद्राओं का पीछा कर रही हो तो उसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। हेत्रे ने कहा इश्यू ऑफ टू मच करेंसी इज इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा प्रसार, सामान्य भाषा में हम ये कहेंगे कि जब मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक हो जाती है तो मुद्रा प्रसार कहलाती है। अब इसका मीनिंग और डेफिनेशन, जो मीनिंग इसके मुख्य घटक बताए गए हैं कि मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन के किन किन परिस्थितियों में इन्फ्लेशन कहलाएगा, ये एक मुख्य अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम है पीगू। उन्होंने कहा है कि केवल 5 स्थितियों में मुद्रा स्फीति को माना जाता है। अब इन 5 स्थितियों को ढंग से समझेंगे आप, वो है पहली, जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो परंतु कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर हो। यानी लोगों की आय तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन होगा। दूसरा बता रहा है जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो परंतु कुल उत्पादन में कमी हो रही है, वही बात है, पहले में स्थिर बताया, दूसरे में कमी बता रहा है। जब दोनों में वृद्धि हो रही हो परंतु मौद्रिक आय की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि से अधिक है। और चौथा है जब मौद्रिक आय स्थिर है और उत्पादन घट रहा है, तब भी आपके क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा पूर्ति बढ़ रही है। और आखिरी, जब दोनों में कमी हो रही हो परंतु मौद्रिक आय की कमी की दर उत्पादन की कमी की दर से कम हो। यानी अगर आप इन 5 परिस्थितियों का ढंग से आकलन करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ नहीं है, वो सारी परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये बताया गया है कि आय उत्पादन के मुकाबले में आय यानी इनकम बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मुद्रा प्रसार। अब यहाँ, अभी तो हमने पढ़ा था पीगू को, अब यहाँ कीन्स के विचार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कीन्स ने कहा था कि मुद्रा प्रसार क्या है, हम हर परिस्थिति को मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। वास्तविक इन्फ्लेशन वह परिस्थिति है जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है
वो आपका क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन। यानी एज लॉन्ग देर इज अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट विल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, रोजगार उसी तुलना में बदलेगा एज द क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे भी आप मुद्रा बढ़ाओगे। व्हेन देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइजेज विल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द क्वांटिटी ऑफ मनी। यानी अब आप इस ग्राफ के माध्यम से समझो, जब यहाँ मैं इसमें नाम नहीं लिख पाया था ग्राफ में, अभी लिख रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट ओ है, ये ए, ये बी और ये सी, ये डी, ठीक है। अब ये है, इस तरफ तो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट और इस तरफ है मनी सप्लाई एम। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, जब जो पॉइंट सी और डी है वो क्या है, वो पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यानी यहाँ तक तो क्या होगा, पूर्ण रोजगार होगा। तो जब मनी इन्फ्लेशन यानी मुद्रा की पूर्ति इस स्थिति से यहाँ तक बढ़ाई जाएगी, तब तक तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, वो पार्शियल इन्फ्लेशन कहलाएगा, आंशिक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाओगे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के साथ में उत्पादन भी बढ़ता है। इस पॉइंट के बाद में अगर आप जहाँ पूर्ण रोजगार की परिस्थिति आ गई, अगर पूर्ण रोजगार की परिस्थिति के बाद भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, तो वो क्या करेगा, कीमतों में वृद्धि करेगा, क्योंकि उसके बाद में उत्पादन बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रोजगार भी नहीं बढ़ रहा, लोग फुल्ली एम्प्लॉयड है। तो यानी किन्स क्या कहता है, किन्स कहता है कि पूर्ण रोजगार के बाद अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो वो क्या कहलाएगी, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार। तो ये थी इसकी, किन्स की विचारधारा। अब हम पढ़ेंगे अगला, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के प्रकार। वैसे तो कीन्स ने केवल तीन प्रकार के इन्फ्लेशन बताए थे, पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी पढ़ेंगे। पहला है कमोडिटी इन्फ्लेशन। कमोडिटी इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जब जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। क्या है, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ जाता, यानी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ रही पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, तो क्या कहलाता है, कमोडिटी इन्फ्लेशन। दूसरा है करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन का मतलब है किसी भी परिस्थिति के कारण अगर सरकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ा रही है, नए नोट छाप रही है, तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं करेंसी इन्फ्लेशन। और तीसरा है प्रॉफिट इन्फ्लेशन, यानी किन्हीं कारणों से अगर उत्पादकों की लागत कम हो गई है, तो लागत कम होने से उनका लाभ बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ना से अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, वो कहलाएगी प्रॉफिट इन्फ्लेशन। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे प्रोडक्शन इन्फ्लेशन, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उत्पादन की लागतें कम हो गई, कच्चे माल की उपलब्धि आसानी से हो गई, तकनीक बदल गई, तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से प्रोडक्शन इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन बदल जाएगा, ज़्यादा नहीं, प्रोडक्शन बदल जाएगा, या चीज़ें महंगी हो गई तो वो कीमतें बदल जाएंगी। डेफिशिएट इन्फ्लेशन। डेफिशिएट का मतलब जब राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, या जब अर्थव्यवस्था में किसी देश में बजट पेश किया जाता है और उसके खर्चे उसकी आय की तुलना में ज़्यादा होते हैं, तो डेफिशिएट यानी उस घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है, चाहे तो आप नए नोट छापो, चाहे आप विदेशों से उधार लो, चाहे आप जनता से उधार लो। तो इस तरीके से जब आप कहीं से भी पैसा अरेंज करोगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन का कारण बनती है। फिर वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जब मजदूर यूनियन के दबाव के कारण, या मजबूत मजदूर यूनियन के दबाव के कारण मजदूरों की आय बढ़ जाती है, वेज बढ़ जाती है। जब उनकी वेज बढ़ती है तो उनकी आय बढ़ रही है, जबकि उत्पादन उस तुलना में नहीं बढ़ रहा, उससे जो इन्फ्लेशन होता है उसे कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। फिर है फुल और पार्शियल इन्फ्लेशन। फुल इन्फ्लेशन और पार्शियल इन्फ्लेशन, अभी अपने पीछे जो कीन्स की थ्योरी पढ़ी थी उसमें वही था कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार से पहले तक जो इन्फ्लेशन होगा वो कहलाएगा पार्शियल इन्फ्लेशन, और पूर्ण रोजगार के बाद में जो इन्फ्लेशन होगा वो कहलाएगा फुल इन्फ्लेशन। फिर अगला है ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन एंड सप्रेस्ड,
ओपन इन्फ्लेशन वो है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से उसका प्रभाव दिखता है और कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, उसे कहते हैं ओपन, जिसमें सरकार किसी तरीके से प्रत्यक्ष भागीदारी करती है। और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष ना आके अप्रत्यक्ष रूप से आता है और उसके कारण भी अप्रत्यक्ष होता है, वो सप्रेस्ड होता है। अगला प्रकार है क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन की गति को देखते हुए जो प्रकार है वो ये है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है रेंगती हुई मुद्रा स्फीति, रेंगती हुई मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जिस पर जनरली ज़्यादा गौर नहीं किया जाता और वो कंसिडरेबल भी नहीं होती है। जैसे मुद्रा स्फीति 5% है, 6% है, 7% है, वो बहुत ही कमज़ोर मानी जाती है, ठीक है इतना तो होता है, कोई गौर नहीं करता, वो कहलाती है क्रीपिंग। फिर होती है वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलने वाली, यानी जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच जाता है, यानी 8-9% से बढ़कर 12-13-14-15% तक बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, 20% तक डबल डिजिट में चला जाता है, तब वो कहलाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वो थोड़ा बहुत सोचने का होता है जब सरकार का ध्यान उस पर जाता है। तीसरा होता है रनिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट से बढ़ते हुए ट्रिपल डिजिट को टच कर जाता है, उसे कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन 70% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया, 100% हो गया, 110% इन्फ्लेशन हो गया, वो कहलाता है रनिंग इन्फ्लेशन। और चौथा प्रकार है गैलोपिंग विध्वंस, यानी जब इन्फ्लेशन 1000% 2000% पहुंच जाता है तो वो कहलाता है गैलोपिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यही स्थिति हुई थी, वहाँ ज़्यादातर यूरोपियन देशों में जो इन्फ्लेशन था वो गैलोपिंग और रनिंग प्रकार का था, ये उनकी गति के आधार पर। आखिरी जो है वो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल का मतलब होता है कि उत्पादन वही है और मुद्रा पूर्ति भी उतनी है, लेकिन वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ गई। क्या हुआ? वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ गई, वो कहलाता है डिमांड पुल। और कॉस्ट पुश का मतलब होता है जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, कच्चे माल की लागत बढ़ती है और दूसरे साधनों की लागत बढ़ती है, तो लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उत्पादक अब वस्तु को ज़्यादा महंगे में बेचता है, तो वो जो कीमतें बढ़ती है वो बढ़ती है कॉस्ट पुश के कारण, लागत बढ़ने के कारण। तो ये थे टाइप। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण। मोटे तौर पर चार ही कारण हैं, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग यानी घाटे की वित्त व्यवस्था, मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो मौद्रिक और साख नीति है वो भी महंगाई को प्रभावित करती है। अगर उनकी साख नीति या मौद्रिक नीति लचीली है, लिबरल है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर उनकी नीति टाइट है तो मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ेगी। फिर इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, अगर मुद्रा की वेलोसिटी यानी सर्कुलेशन में वृद्धि हो रही है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमने पिछले 2-3 लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ मनी पढ़ा था कि एक मुद्रा कितनी बार सर्कुलेट हो रही है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तीसरा डिक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है तो भी वो मुद्रा स्फीति का कारण बनता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब अगर हम फाइनली बात करें कि इन्फ्लेशन किसको कहेंगे, इसके मुख्य गुण क्या हैं, तो तुलनात्मक हम ये स्टडी करेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य अधिक बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, तुलनात्मक रूप से उत्पादन कम तेज़ी से बढ़ता है, यानी उत्पादन कम हो गया या कम तेज़ी से बढ़ता है, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है, या मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, या मुद्रा और साख चलन की गति में तेज़ी आ जाती है, अगर ये परिस्थितियाँ या ये गुण हैं तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन। इसी के साथ इन्फ्लेशन का टॉपिक पूरा होता है। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और डिफ्लेशन पढ़ेंगे, और आखिर के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं वो पढ़ेंगे। तब तक इसको पढ़िए, बुक्स में पढ़िए, नोट्स साथ में दिए वो पढ़िए, और स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। फिर मिलेंगे।